हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय फिटर जंक्शन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक क्या है? रेड्यूसर। रेड्यूसर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है और कैसे किसका यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है और किस पोजिशन में यूज़ किया जाता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, रेड्यूसर एक ऐसा चीज़ है जो हर एक जगह यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन लेके आपका घर तक, आपका घर में भी रेड्यूसर का यूज़ किया जाता है। आज आपको हम बताएंगे रेड्यूसर कैसे और कहाँ कैसे यूज किया जाता है, कैसे पहचान करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं रेड्यूसर क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैं बताया, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर और इसेंट्रिक रेड्यूसर। रेड्यूसर दो प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर और इसेंट्रिक रेड्यूसर। तो हम कैसे पता करेंगे कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक क्या है और क्या अंतर है इसके अंदर, हम कैसे पहचान करेंगे? तो एक कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है, देखिए कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का अर्थ यह हुआ कि हमारा जो कोना है, जो वेंट साइड है, वो एक बराबर होगा, यानी 20/10। इसके अंदर फ्लैट साइड नहीं है। ये देखिए, जितना वेंट इधर से हुआ है उतना वेंट इधर से हुआ है, राइट? तो हम इसको कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर बोलेंगे, ओके? अब दूसरा हम दिखाते हैं आपको इसेंट्रिक रेड्यूसर क्या है। तो ये है दोस्तों, देखिए ये इसेंट्रिक रेड्यूसर है। इसेंट्रिक रेड्यूसर 20/14 का, राइट? तो 20/14 हो गया। इधर से देखिए, ये हमारा जो है वन साइड बैंड है, यानी फोर साइड में हमारा थ्री साइड बैंड होता है, वन साइड फ्लैट साइड होता है, जो एकदम बराबर होता है पाइप की तरह ही, एकदम देखिए एकदम बराबर है, इसमें 1% भी बेंडिंग नहीं होता है, राइट? तो हम इस तरह इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक का पहचान करेंगे। इसमें फ्लैट साइड होता है और जो कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है उसमें फ्लैट साइड नहीं होता है, वो दोनों साइड से सेम बेंडिंग होता है। जैसे मैं इधर देखिए, आपको दिख रहा होगा वन साइड बैंड है और सेकेंड साइड एकदम जो फ्लैट साइड बोलते हैं एकदम राइट है, एकदम सीधा है। देखिए अब इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो रेड्यूसर है कॉन्सेंट्रिक साइड का उपयोग हम सिर्फ वर्टिकल लाइन में ही कर सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो मटेरियल जो भरता है, ऐसे पाइप में जो डीजल पेट्रोल कोई भी लिक्विड पदार्थ है, ऐसे देखिए, तो जब हमारा जो पंप का जो प्रेशर जो बंद होगा तो हमारा क्या होगा, आधा मटेरियल का पानी पाइप में रुक जाएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर का हमारा जो भी मटेरियल्स है बाहर निकल जाएगा और इसके नीचे का बंद हो जाएगा, इसमें ही रुक जाएगा, तो क्या होगा, मेटल हमारा ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम इसका सिर्फ वर्टिकल पोजिशन में ही यूज किया जाता है। अब इसको दिखाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये देखिए, इसमें जो भी मटेरियल्स होगा वो सीधा यहाँ आएगा और पूरा जीरो जीरो मटेरियल इसका बाहर की तरफ निकल जाएगा इधर। और हम लगाते हैं इसको क्यों है, किसी भी पंप से, दोस्तों किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर पंप मोटर डायनामो नहीं है तो आप प्लांट नहीं चला सकते हैं, और रेड्यूसर नहीं है तभी प्लांट आप नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमारा इधर में अगर 20 केजी प्रेशर है पाइप में तो यहाँ से इसका प्रेशर बढ़ता है, यहाँ से सीधा हो जाएगा 40 केजी प्रेशर, यानी देखिए मटेरियल्स को सीधा बेंड करके यहाँ पे प्रेशर उसका डबल हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी है, मटेरियल अगर 20 केजी आएगा इधर से तो इधर 40 केजी हो जाएगा। इसके लिए रेड्यूसर लगाया जाता है, प्रेशर बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, मोटर पे पंप पे लोड कम आते हैं, इसके लिए हम रेड्यूसर का उपयोग करते हैं। और ये देखिए, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल साइड हो गया, और वर्टिकल साइड में हम कौन सा रेड्यूसर नहीं लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये अब हमको दिखाते हैं। ये हमारा वर्टिकल साइड में लगा हुआ है, वर्टिकल साइड में लगा हुआ है। इसमें सीधा मटेरियल्स जो आएगा आपका ऐसे वो सीधा यहाँ, अगर ये 20 केजी प्रेशर है इसमें तो सीधा यहाँ 40 केजी प्रेशर हो जाएगा, और सीधा जो भी मटेरियल्स आएगा
सीधा मूव करेगा एक दूसरे में ऐसे टकरा कर यहाँ से, और यहाँ डबल प्रेशर बनेगा और सीधा ये प्रेशराइज होगा ऊपर की तरफ सेकेंड लाइन में। और ये देखिए ये क्या है, इसेंट्रिक रेड्यूसर। इसका उपयोग करते हैं नोजल पे, जहाँ पे पंप होते हैं वहाँ पे पंप का कनेक्शन होता है, ताकि पंप का जो प्रेशर है वो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में बढ़े। जैसे 10 है तो 20 केजी यानी डबल हो जाता है वहाँ पे। इसके उपयोग हम करते हैं पंप में नोजल के पास ज़्यादा, और हॉरिजॉन्टल में भी करते हैं या वर्टिकल में भी करते हैं, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी करते हैं, तो इसका उपयोग यहाँ करते हैं ताकि मटेरियल हमारा पूरा निकल जाए। इसेंट्रिक रेड्यूसर जो है हम इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल साइड में भी कर सकते हैं, वर्टिकल साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम हॉरिजॉन्टल साइड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन घरेलू काम में किया जाता है, जैसे वाटर लाइन हो वगैरह वगैरह, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड में इसका उपयोग हम हॉरिजॉन्टल साइड में नहीं करते हैं, पाइप ख़राब होने के चांसेस होता है, आधा पानी निकलेगा या पेट्रोल डीजल निकलेगा और आधा इसमें आपका स्टॉक हो जाएगा, जिससे पाइप ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा ऐसा वीडियो जब भी बने सीधा आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।